बड़वानी जिले के पुलिस अधीक्षक डी आर तेनीवार के निर्देश पर पुलिस द्वारा अवैध शराब परिवहन, दो पहिया वाहन चोरी पर सतत अंकुश लगाकर सफलता हासिल की जा रही है। दो पहिया वाहन से अवैध शराब परिवहन कर रहे आरोपी को पुलिस ने पकड़कर 7 पेटी करीब 26,000 मूल्य की शराब जब्त की। अवैध शराब की तस्करी अधिकतर देर रात और सुबह सुबह की जा रही थी। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ग्राम पंचायत पिछोड़ी में अंबूस लगाकर 2-व्हीलर से अवैध शराब परिवहन कर रहे दो युवकों को घेराबंदी कर बड़ी मशक्कत के साथ पकड़ा। आरोपी 2-व्हीलर पर 7 पेटी बॉम्बे विस्की परिवहन कर ले जा रहे थे, जिसकी कीमत करीब 26,000 रुपये आकी गई है। बड़वानी से अब्दुल कुमाऊत की रिपोर्ट। ये जो है कल रात्रि में पुलिस को मुखबिर सूचना मिली थी, धार तरफ से जो है दो व्यक्ति एक मोटरसाइकिल पर अवैध रूप से शराब लेके आ रहे। उस सूचना पर तस्दीक और रेड कार्रवाई के लिए मेरे द्वारा टीम भेजी गई थी और टीम जो है पिछोड़ी के पास एम्बुलेंस लगाकर बैठी हुई थी। जैसे ही मुखबिर के बताए अनुसार एक मोटरसाइकिल जब सामने से आई तो पुलिस ने उसको संदेह के आधार पर रोका और रोक कर जैसे ही उसको रोका तो उसने पुलिस को देख के तेज़ी से मोटरसाइकिल आगे बढ़ा दी। तभी पुलिस को शक हुआ और उसको पुलिस ने फिर घेराबंदी करके पकड़ा। पकड़ने के बाद उनकी जो शराब थी, बीच में शराब की करीब 7 पेटी बॉम्बे विस्की की रखी हुई थी, पूछताछ किया, उसमें कोई लाइसेंस होना उनके पास नहीं बताया। तो अवैध शराब होने से तत्काल मौके पर ही शराब 7 पेटी शराब जो है कीमती करीब 26,000 रुपये कीमत है। कहाँ ले जा रहे थे? कहाँ ले जा रहे थे? ये जो शराब है प्राथमिक रूप से पूछताछ की तो बोले कि हम सिलावा क्षेत्र में उनको डिलीवर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। खरगोन जिले के